हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। जैसा कि मैंने कल भी यहां पर एक वीडियो पोस्ट किया था और आपको कहा था कि इस स्टॉक में जब भी रिवर्सल आएगा मैं यहाँ पर आपको अपडेट करूंगा। तो आज यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है और मैं आपको यहाँ पर अपडेट करने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 5% की हमें तेजी देखने को यहाँ पर मिली है। और जैसा कि मैं इसके पहले से को बताता आ रहा हूं कि इस स्टॉक में जो गिरावट हो रही है वो पूरी सेंटीमेंट की गिरावट है। सेंटीमेंट की गिरावट से मतलब यदि सेंसेक्स और निफ्टी नेगेटिव है तो उसका इंपैक्ट यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहां पर कंसिस्टेंटली गिर रहा है। तो ये कब रिवर्सल लेगा? तो आज देखिए, आज के दिन लास्ट में मार्केट में कितना अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया। यहां पर आपने देखा मार्केट जब पॉजिटिव हुआ तो यहां पर इस स्टॉक के अंदर भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली और यहां पर 665 रुपए पे भी स्टॉक काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां पर बाय कर लें? तो देखिए, इस स्टॉक के अंदर जब से ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद से स्टॉक में बहुत तेजी से हमें गिरावट दिखाई दी। बीच बीच में कुछ ग्रीन कैंडल बने थे लेकिन अभी फिर एक बड़ा कैंडल बन चुका है। तो क्या बाइंग यहां पर करना चाहिए, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहां पर आप देखिएगा, आपके सामने यहां पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया यह है डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर देख सकते हैं 915 तक स्टॉक गिरा था। स्टॉक कहां तक का टाइम बना था? नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर 785 रुपए तक का सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, फिर से 915 के ऊपर तक। यहां पर आप देखेंगे फिर से स्टॉक गिरता है और 785 पे सपोर्ट लेता है। ये देखिएगा, एक बार फिर से स्टॉक में आपको तेजी दिखाई देती है। लगभग 920 रुपए के ऊपर तक स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई देता है। 840 तक करेक्शन के बाद स्टॉक में आपको फिर तेजी दिखाई दी 920 तक की और फाइनली हो गई गिरावट। और ये गिरावट स्टॉक को नीचे लेकर के आती है। कहां तक लेकर के आती है तो आप यहां पर देख सकते हैं, 785 तक गिरने के बाद स्टॉक धीरे धीरे करके चलते हुए एक बार फिर से लगभग 920 रुपए तक पहुंचता हुआ हमें यहां पर दिखाई दिया। और यहां पर आने के बाद स्टॉक में जब गिरावट हुई तो हमने क्या देखा, 785 पे स्टॉक आया और यहां पर दिखाई दिया कंसोलिडेशन। ये देखिएगा, यहां पर कंसोलिडेशन दिखा और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता है और इस ब्रेकडाउन के साथ ही मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव रहे हैं। पूरा मार्केट यहां पर क्रैश हुआ है और उसका इंपैक्ट स्टॉक पे दिखता रहा और स्टॉक नीचे की तरफ आता रहा। ये देखिएगा, कल भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था, आपको कहा था कि मैं ये नहीं कह सकता कि रिवर्सल कहां से आएगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए यदि मार्केट सेटलमेंट करता है, मार्केट के सेंटीमेंट अगर चेंज होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, डेफिनेटली आपको यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। और आज वैसा ही हुआ है, जैसे ही निफ्टी यहां पर करेक्ट हुआ ऊपर की तरफ इस स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिली और यहां पर लगभग 5% स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ यहां पर हमें देखने को मिलता है। 665 पे क्लोजिंग दिखाई दिए। तो फ्रेंड देखिए, यदि आप यहां पर बाइंग करना चाहते हैं डेफिनेटली बाइंग कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यहां पर कोई स्टॉप लॉस आप मत रखिएगा, क्योंकि इसके क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे हैं और इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आपको यदि यहां पर बाइंग करते हैं और यदि और गिरावट दिखती है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिना स्टॉप लॉस के एंट्री रखें। और जो टारगेट है वो आपको यहां पर रखना होगा 785 रुपए। अब आप कहेंगे इतना छोटा टारगेट क्यों, इतने सारे सपोर्ट यहां पर बने हैं तो यहां पर डेफिनेटली आपको रिजेक्शन दिख सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि 785 रुपए तक का टारगेट रख करके आप अभी बाइंग कीजिए, लेकिन कोई भी स्टॉप लॉस आप यहां पर मत रखिएगा, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहां पर आपको ज्यादा दिखाई देंगे। साथ ही अगर बता दूं यदि 785 ब्रेकआउट होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से एक नया वीडियो पोस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहां पर आप एंट्री करें और उसके बाद क्या टारगेट रखना है, कहां पर री एंट्री लेना, सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस नहीं रखना, स्टॉक अगर नेगेटिव जाता है तो आपको घबराना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। यहां पर आप देखिए इसकी एनालिस्ट की रेटिंग कितनी निकल करके आ रही है, तो एनालिस्ट डाटा आपके सामने यहां पर लगा दिया और यहां पर देखेंगे 86% एनालिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं स्टॉक के अंदर बाइंग के लिए। देखिएगा 7 एनालिस्ट की कवरेज और 7 में से 86% आपको बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली स्टॉक का पोटेंशियल यहां पर बुलिश आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।